अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे FSC बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 5 मॉलिक्यूलर लेवल। व्हाट इज मॉलिक्यूलर लेवल? मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है? द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर थ्रू आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड टू प्रोड्यूस कंपाउंड। यानी जब मुख्तलिफ एलिमेंट आपस में मिलते हैं किसके ज़रिए? आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। दिस स्टेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी स्टेबल होता है कायम रहना। जो ये शक्ल वजूद में आती है, इस स्टेबल फॉर्म को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। अब देखें, मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था कि मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है। किसी भी स्टडी, किसी सेल की, टिश्यू की स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल पे हम जाकर करते हैं, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। अब देखें, मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल सब्सटेंस वो क्या होता है? वो होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। अब इसके अंदर अगर टाइप देखें तो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में हम देखेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, MIC माइक्रो स्मॉल, MAC मैक्रो लार्ज। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है, ये स्मॉल इन साइज होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल? माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसा कि अगर हम देखें, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ये स्मॉल इन साइज होते हैं। इसी तरह वाटर का देखें तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और इनका साइज भी क्या होता है? स्मॉल होता है। तो डिफरेंट आता होता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। इस तरह देखा जाए तो मैक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? हाई होता है। ये लार्ज इन साइज होते हैं, साइज में ज़्यादा होते हैं, लार्ज होते हैं। इनके अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास फैट्स हैं, प्रोटीन हैं और शुगर हैं। अगर डिफरेंस आ जाए तो एक साइड पे आप लोगों ने दरमियान में लाइन लगा के एक साइड पे मैक्रो मॉलिक्यूल लिखने हैं और दूसरी साइड पे मैक्रो मॉलिक्यूल, और इनकी एग्जांपल लिखना नहीं भूलनी। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और इसमें भी डिफरेंट आता होता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो कंटेन करते हैं बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसके अंदर कार्बन भी मौजूद होता है और हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। ये अगर हम इसके मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास ग्लूकोज होते हैं, इमाइनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड और ग्लिसरॉल वगैरह। अगर इसके अगर हम मिसाल के साथ अगर आपको बताऊं, इसकी मिसाल समझाऊं आपको, तो ग्लूकोज का फार्मूला या सुक्रोज का देखें, C12 H22O11। सबसे पहले बात की थी कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इसमें देखें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये किसकी मिसाल होगी? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मिसाल। अब इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं जो इंक्लूड नहीं होते, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक इकट्ठी फॉर्म में मॉलिक्यूल के अंदर नहीं मौजूद होती? नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन मॉलिक्यूल। जैसा कि आप देख लें, इसके अंदर आता है वाटर, वाटर के अंदर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, नॉट कार्बन। अगर आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्रेजेंट, ऑक्सीजन
प्रेजेंट, तो इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट ना होने की वजह से ये इनऑर्गेनिक मालिक्यूल है। डिफरेंट आए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मालिक्यूल में, तो आपने लिखना है कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक मालिक्यूल, एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड न्यूक्लियोटाइड। इसके साथ इनऑर्गेनिक मालिक्यूल नॉट इंक्लूड कार्बन हाइड्रोजन टूगेदर इन मालिक्यूल, एग्जाम्पल वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब लाजमी करें और शेयर करें।